नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में और जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या है और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो जड़ से ऑटिज्म को सही करती है। होम्योपैथिक दवाई बच्चों में जो ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए बेस्ट दवाई होती है होम्योपैथिक। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्थितियों का एक डाइवर्स ग्रुप है। उन्हें सामाजिक संपर्क और कम्युनिकेशन में कुछ हद तक कठिनाई महसूस होती है। खास तौर पे गतिविधियों और व्यवहारों के असामान्य पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी करने में कठिनाई का होना, कुछ डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना और सेंसेशंस के प्रति असामान्य प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके और सिम्टम्स हैं जैसे कि बच्चे को कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है दूसरे लोगों से, बच्चा दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, अपने माँ बाप की सुनता नहीं है और अपना नाम पुकारे जाने पे भी रिस्पॉन्स नहीं देता हो। कई चीजें ऑटिज्म का बच्चा रिपीट करते रहता है, जैसे कि कोई एक्शन है तो वो उसको रिपीट करता रहेगा या कोई बात है तो वो रिपीट करता रहेगा उसको बार बार, वही बात वो बार बार बोलेगा। ऑटिस्टिक बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी बहुत देखी जाती है, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं। बच्चों में बेचैनी का होना जब वो घटना हो जो डेली नहीं होती है, जैसे कि उसको बाहर घुमाने में या भीड़ देख लेने से वो एंजाइटी महसूस कर सकते हैं। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है और अनजान लोगों से तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑटिज्म का एक सिम्टम्स है। बच्चे को जीवन में चेंजेस नहीं पसंद होते हैं, अपने आसपास जैसा था पहले चीजें उसको वैसा ही चाहिए। ऑटिज्म के बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, वो एक जगह ध्यान लगा के बैठ नहीं सकते हैं, उनको चीजों को याद करने में दिक्कत आती है। छोटे बच्चे जिनको लैंग्वेज सीखने में भी दिक्कत आती है अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि वो लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे, तो ये भी ऑटिज्म के ही लक्षण है। बच्चा किसी सुगंध के प्रति या आवाज के प्रति या स्वाद के प्रति बहुत ज्यादा हाइपर रिएक्शन दे सकता है या बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं भी दे सकता है। रिएक्शंस या प्रतिक्रिया करने में बच्चे को दिक्कत आती है। ऑटिज्म का बच्चा दूसरे बच्चों से दोस्ती नहीं कर पाता है और अपने में ही मगन रहता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता है। ऑटिस्टिक बच्चे अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हैं, जैसे कि दीवार पे सर मार के या अपने बाल को खींच के खुद को टीथ से बाइट करते हैं। ये सब ऑटिस्टिक बच्चों में सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटिज्म के कारण के बारे में। सबसे पहला है जेनेटिक कारण। भी इसका सामने आया है कि डीएनए में ही उस बच्चे के ऐसा बिहेवियर पैटर्न मौजूद था जिससे उसको ऑटिज्म बना। अगला है प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को इमोशनली मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हुई हो या वो प्रेगनेंसी के दौरान दुखी रही हो तो बच्चे पर और बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो ऑटिस्टिक बन सकता है। अगला है अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे को माँ के गर्भ में ऑक्सीजन की या ब्लड की कमी रही हो उससे भी बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और बिहेवियर प्रॉब्लम्स उस कारण से भी आ सकते हैं। अगला है इसीलिए गर्भवती माँ को टेंशन ना लेने की जरूरत है और अच्छे से खाना पीना करना चाहिए जिससे बच्चे को सही पोषक तत्व मिलता रहे गर्भ में। बहुत ज्यादा जो बच्चे मोबाइल या टीवी पर कार्टून देखते हैं तो उससे भी बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और कहना भी नहीं मानता है। तो मोबाइल या टीवी बच्चे का कम दिखाना सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं हम बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों की जो यूज होती हैं ऑटिज्म में। सबसे पहली दवाई है ट्यूबरकुलिनम 200। अगर बच्चा तोड़फोड़ खूब करता हो, कहना ना मानता हो, तब ये दवाई सोची जाती है। अगली दवाई है टेरेंटुला हिस्प 30। बच्चे अगर एक जगह स्थिर होके नहीं बैठ सकता है, इधर उधर भागता रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं उसके, तो
तोड़फोड़ ज्यादा करे, खिलौनों को या कोई भी जरूरी सामान को पटक के तोड़ देता हो, तब ये दवाई भी दी जाती है, टेरेंड्यूला हिस्पैनिका। अगली दवाई है बेराइटाकार। अगर बच्चे का किसी काम में या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता हो, अनजान लोगों से भागता हो, तब ये दवाई दी जाती है। अगली दवाई है हायोसाइमस 200। बच्चा बहुत झगड़ा करे घर पे या बाहर, दूसरे बच्चों को गुस्से में मार देता हो, अपना कपड़े हटाने लगे सबके सामने, और फैमिली के किसी भी सदस्य से उसको अटैचमेंट ना हो, प्यार ना हो, तब ये दवाई दी जाती है हायोसाइमस 200। और भी बहुत सी दवाई हैं जो ऑटिज्म और बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन को सही करने में यूज होती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।